हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो टॉपिक है लड़की को कैसे पटाएं। तो देखो दोस्तों, नंबर पहला पॉइंट है साफ सुथरे रहें, रोज नहाएं। देखो कुछ लड़की क्या होता है कि वो अपनी सफाई पर ध्यान भूल जाती हैं, तो लड़कियों को ना ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं होते जो साफ सुथरे नहीं होते। इसलिए आप देखो लड़की के सामने जब भी जाएं ना तो खूब नहा कर सज धर कर जाएं, ठीक है, नए कपड़ों में जाएं। अगर कपड़े नहीं हो ना तो उनको क्लीन करो, मतलब साफ करके प्रेस करके ही उसके सामने जाएं, ठीक है। जब आप उसके सामने ऐसे प्रस्तुत होगे ना तो लड़की आप पर ध्यान देना शुरू कर देगी, ठीक है ना दोस्तों। नंबर दूसरा पॉइंट है अच्छे महकें, इसके लिए अच्छा सा परफ्यूम लगाएं। देखो कुछ लड़के क्या होता है कि जैसे गर्मी का सीजन है, ठीक है, तो पसीना सबको आता रहता है ना, तो उससे क्या है कि हमारे कपड़े थोड़ी बदबू मारने लगते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना कि कपड़ों में जो है ना अच्छा सा परफ्यूम डालना है, ठीक है, क्योंकि आपकी महक जो है ना लड़की के पास जानी चाहिए, तब तो लड़की आपके पास आएगी ना। जहाँ से महक आती है ना आपको ढूंढते हो ना कि महक कहाँ से आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसा आपको करना है, आपको अच्छा परफ्यूम लेना है, ठीक है। लेकिन परफ्यूम की स्मेल जो ना थोड़ी लाइट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं आपको डायरेक्ट कर दिया तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। आपको परफ्यूम भी डालना है तो थोड़ी लाइट डालना, मतलब थोड़ा सा ही डालना है जिससे हल्की हल्की सुगंध आए, ठीक है ना दोस्तों। आप ऐसा करते हो ना तो कोई भी लड़की के लिए ब्रश हो जाएगी। नंबर तीसरा पॉइंट है दोस्तों कॉन्फिडेंट रहें। देखो दोस्तों लड़कियों को वो लड़के बहुत ही पसंद होते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए आपको अपना कॉन्फिडेंट बनाए रखना है। नंबर चौथा पॉइंट है दोस्तों उसकी रिस्पेक्ट करें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस संसार में क्या, इस जहान में भी आप जिसकी रिस्पेक्ट करोगे ना, जिसका सम्मान करोगे ना, तो ये लिख कर ले लो दोस्तों, ये 100% बात है कि वो भी आपका सम्मान करेगा यार, ठीक है, वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। इसलिए लड़की को सम्मान करोगे ना तो वो आपको सम्मान करेगी, और अगर वो सम्मान करेगी तो सम्मान क्यों करेगी, वो समझती है कि आप अच्छे इंसान हो तो वो आपको लाइक करती है, इसका मतलब, ठीक है ना। नंबर पाँचवा पॉइंट है दोस्तों अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखो। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जो बंदे अपने चेहरे पर स्माइल रखते हैं, जो बंदियां अपने चेहरे पर स्माइल रखती हैं ना, उनके बहुत सारे मतलब फैन होते हैं। इसी तरह से आप भी अगर स्माइल रखोगे ना चेहरे पर तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि लड़की आपको समझेगी, आप बोले कि आप बहुत ही खुले विचार के इंसान हो, आप बहुत ही मस्त जिंदगी जी रहे हो, क्योंकि ऐसे चेहरे किसी को पसंद नहीं है जो लटके रहते हैं, ठीक है ना। आप मायूस से खड़े हो गए, ठीक है, खामोश हो गए, ऐसा मजा नहीं आएगा ना। तो आपको यार लड़की इंप्रेस करना है तो उसके सामने चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए यार। अगर स्माइल रहेगी ना चेहरे पर तो बात अलग हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको जब भी कहीं आप हो, ठीक है, जंक्शन में हो, फंक्शन में हो, लड़की आपको दिखी, आपको चेहरे पर स्माइल है ना, तो आपको कई लड़कियां देखेंगी यार कि लड़का बहुत मतलब स्माइल पास कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। नंबर छठा पॉइंट है दोस्तों उसे हंसाएं, उसे पसंद आएगा। देखो दोस्तों अगर लड़की को आप हंसाते हो ना, वैसा हंसाते हो जैसे उसको कोई बात पसंद है, ठीक है, आप उससे बात कर रहे हो, आपने थोड़ी फनी बात कर दी वैसी वैसी, तो लड़की जो है ना हंस जाएगी, समझो फंस जाएगी, क्योंकि आपने सुना होगा लड़की हंसी अगर तो फंसी, ठीक है। इसलिए आपको उसको जितना हो सके उतना हंसाना है, ठीक है, ऐसा नहीं हंसाना है कि फालतू बात नहीं करना है, बात भी करना है अपने हिसाब से करना है, थोड़ा बात करना है, लड़की थोड़ी हंसी तो समझ लाना बस सही है। नंबर सातवां पॉइंट दोस्तों उसकी पसंद की बात करें। देखो दोस्तों कुछ लड़के क्या होता है कि लड़की ने कोई बात छेड़ी, उसकी बात कट कर दी और अपनी बात चालू कर दी, ठीक है, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट की बात लड़की जो है बताने लगती है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों। दोस्तों देखो आपको लड़की पटाना है ना, आपको लड़की इंप्रेस करना है ना, तो समझ लो दोस्त कि आपको उसके इंटरेस्ट के बेस से बात करना होगा, मतलब जैसे उसको कोई चीज़ पसंद है, ठीक है, तो आप उसकी पसंद की बात कीजिए, ठीक है ना। आपको वो चीज़ पसंद हो चाहे ना हो, लेकिन आपको उसकी पसंद की ही बात करना है, तो जाके लड़की आपको इम्प्रेस हो जाएगी, क्योंकि वो समझ जाएगी कि आपके विचार उसके विचार मिलते जुलते हैं, ठीक है ना, कि आपसे बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाएगी। नंबर आठवां पॉइंट दोस्तों उनकी तारीफ करें। देखो दोस्तों तारीफ एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अपनी सुनना चाहता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर किसी ने अपनी तारीफ कर दी ना उसकी, अगर आपने उसकी तारीफ कर दी ना, तो समझ लो लड़की के अंदर गुब्बारे फूट जाएंगे, लड्डू ही लड्डू फूट जाएंगे अंदर मन में कि यार ये बंदा सच बोल रहा है। लेकिन आप जब भी उसकी तारीफ करो ना तो उसकी तारीफ रियल तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां ये बात समझ जाती हैं कि कौन बंदा उसकी गलत तारीफ कर रहा है और कौन बंदा उसकी सही तारीफ कर रहा है। इसलिए उसमें जो खूबी हो, उस लड़की में जो खूबी हो, या आप किसी भी काम से रिलेटेड उसकी तारीफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि लड़की ऐसा करती भी है नहीं करती, आप उसकी तारीफ किए जा रहे हो, तो वो समझ जाएगी ना यार कि आप गलत तारीफ कर रहे हो, उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में तारीफ कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको उसे इम्प्रेस करना है, तो आप उसकी जो रियल तारीफ है तो उसकी तारीफ करिए, से मतलब
जैसे मतलब कि वो खाना चुनाती है तो आप उसकी तारीफ कर सकते हो, आप खाना बहुत मस्त बना लेते हो, ठीक है। आप जैसे वो मेहंदी रचा लेती है तो आप उससे कह सकते हो आप मेहंदी रचाना अच्छी रचा लेते हो, बहुत मस्त लगती है, ठीक है। वो रचाती है ना तो वो लगेगा, उसको लगेगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। लेकिन आप उल्टा ही कुछ गलत टाइप कर दोगे उसकी तो वो कहाँ से समझेगी, वो समझेगी कि आप उसको यार झूठी बोल रहे हो, क्योंकि लड़कियों को झूठे लड़के पसंद नहीं होते, ठीक है। तो दोस्तों आपसे लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा है, अगर आपको हमारे वीडियो में एक भी पॉइंट पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को बाय बाय।